पर्यटक स्थल कैंपटी फॉल में बन रही प्राइवेट पार्किंग का बंगलों की कांडी के ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस स्थान पर पार्किंग बनाई जा रही है वहां घना जंगल है। पार्किंग के नाम पर कई दर्जन हरे बांझ पुरास के पेड़ काटे गए हैं। मसूरी में पत्रकारों से बातचीत में ग्रामीणों ने कहा कि वन विभाग की मिलीभगत और शासन प्रशासन में बैठे कुछ बड़े अधिकारियों की शहर पर पार्किंग बनाई जा रही है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। पार्किंग के नाम पर हरे भरे जंगलों को भारी नुकसान हो रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पार्किंग का निर्माण नहीं रुका तो वो हाईकोर्ट की शरण लेंगे। कि ना तो उसमें जो है वन विभाग की कोई एनओसी है, ना उसमें ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव है, ना उसमें नक्शा है। और ये जमीन कहाँ, 10 नाली जमीन दी गई है, तो 10 नाली जमीन का जो क्षेत्रफल होता है वो पूरा जंगल का क्षेत्रफल है, जिसमें की बांझ के बहुत मोटे मोटे पेड़ हैं। आगे हमने वकीलों से बात कर दी है, शासन प्रशासन से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे कहाँ से खामियां हुई है, कौन लोग इसमें संलिप्त है। कैंपटी फॉल का सौंदर्य तो जी जब लैंडस्लाइड थी उस समय भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था, और अब तो खैर उसकी जो हरियाली है वो भी कट जा रही है। अब तो बिल्कुल ही जो है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव होगा और कैंपटी फॉल का जो पानी है वो घट जाएगा। मतलब उसको बचाएंगे किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी हो जाए, हम पैसा नहीं देखेंगे कि चाहे वहां से ग्राम सभा को भी फायदा हो, हम उसके लिए भी जो है नहीं चाहते हैं कि इस चीज का फायदा हो, मतलब पर पेड़ बचे। पेड़ तो काफी संख्या में कटे हैं जी, उसके मुंडे भी अभी वहीं उपलब्ध है, मौजूद है, और बांझ और ब्रांच के पेड़ काटे गए हैं। बहुत घना जंगल है, जहाँ ये पार्किंग का काम शुरू हो रहा है वहाँ बहुत बड़ा जंगल है। हमारा विरोध ये है कि हम इस लीज को कैंसिल कराने के लिए लगे हुए हैं, और इसके लिए हमें हाईकोर्ट भी जाना पड़े तो वहाँ भी जाएंगे। देवभूमि न्यूज के लिए मसूरी से आशीष भट्ट की रिपोर्ट।